एडमिशन मिलगी बात 3,000। अच्छा तो बढ़ाइए 250 रुपया। अच्छा अब बढ़ावे चाहे घटावे तो उनके हाथ है बात। अच्छा बाकी बोर्ड तो भाई ऐसी बात है बजे रंगे जैसे जाके काय का मन है। अच्छा अब घर के ही नवा में काबू में तो बाहर के कैसे कर लोगे। सही बात है। हाँ तो मतलब वोट तो डालना जरूरी भी है ना। वोट तो जरूर डालेंगे। हाँ चाहे कैसे ही बिला रहे चाहे 100 जगह ला रहे चाहे 1 जगह ला रहे चाहे 50 जगह ला रहे। अच्छा चाहे हारो चाहे जीतो। अच्छा वोट वोट तो गेरेंगे। आपके मन में क्या है? वोट गेरेंगे हम कहाँ डाल रहे हो? अब जहाँ डालने वाले कहेंगे वहाँ डाल देंगे हम। तो आप अपने अपने मन की चलाओगे किसी दूसरे के मन की चलेगी? ना भैया बालक कहे के ना वे गिरवा जाए दूसरे की भी। अच्छा हाँ अब यू भी तो हमें टुकड़ा खाना उनके धो। अच्छा। तो अब जो मानो रहे बदल। अच्छा हाँ वो बिगड़ रहे हो अब। अच्छा घर काबू में नौ बहार तो जब करेंगे। सही बात है। और एक भाई साहब और हैं इनसे जी। भाई साहब क्या कुछ है लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ विचार है आपके? भाई लोकसभा चुनाव माहौल तो देखो बीजेपी का ही बन रहा है। अच्छा। किंतु जैसा हमारे व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए जैसे सड़क है रोजगार है उन बेसिक चीजों के लिए तो कुछ हो नहीं रहा। वो जरूरी है। एक्चुअल बात क्या है धर्म के आधार पे तो वो ले आएंगे अपनी सीट बार बार लेके आ रहे हैं लेकिन कब तक भ्रमित कर पाएंगे जनता को? अच्छा जनता जो समझदार या शिक्षित है 20-30% 40% वो समझते हैं बातों को क्योंकि हमें ज़रूरत है बेसिकली रोटी कपड़ा और मकान की वो रोज़गार से प्राप्त होगा। रोज़गार है नहीं और सबसे बड़ी दिक्कतें ये आ गई कि ये आर्मी मैन है पहले पूरे आजीवन नौकरी करते थे 60 साल तक अब जो अग्निवीर की ये बहुत गलत काम परंपरा चलाई गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो योजनाएँ गलत हैं उन योजनाओं को आपको भी आगे लाना चाहिए पत्रकारों को उनसे सबसे सवालात करने चाहिए और वो सवाल ऐसे हों जो बेसिक जनता के लिए हों कि भाई रोटी रोजगार जो चाहिए चाहिए जनता। नहीं, बिल्कुल रोटी कपड़ा और मकान तो इंसान की सबसे पहली जरूरत है ना। हाँ लेकिन धर्म तो ये तो कहते हैं कि हमने रोजगार के लिए बहुत बेहतर उपाय किए हैं बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं। कितनी योजनाएं बताओ जैसा सरकार कहती है मैं तो उनके दावों की नहीं सरकार तो कहती रहे देखो ऐसी ठप्पड़े रहे। देखो सुनो मेरी बात को भ्रमित किया गया है। आप जो नीचे के सतर के मीडिया से हैं ऊपर का सतर का सारा मीडिया खरीदा हुआ है उनकी डपली बजाते रहते हैं धर्म के नाम पे गाते रहते हैं। हिंदू हम भी हैं हम भी सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने किंतु हिंदू राष्ट्र इस बलिदान पे तो नहीं बन सकता कि भाई रोजगार ना दे। समझ रहे बात? अगर मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बन भी जाता तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। विकास फिर भी चाहिए हमें रोजगार फिर भी चाहिए हमें रोटी कपड़ा और मकान की फिर एक और बेसिक बात है एक बेसिक प्रॉब्लम और आएगी। आज हम हिंदू और मुसलमान में बटे हुए हैं फिर हम आकार निराकार में बटेंगे वैदिक और मूर्ति में बटेंगे। बंटवारा तो रहेगा जीवन भर। इंसान का बंटवारा कभी रुका नहीं है। किसी जमाने में श्री रामचंद्र जी अगर मूर्ति की पूजा करते थे मनुस्मृति की पूजा करते थे रावण जो वेदों की पूजा करते थे तो ये बंटवारा तो रहेगा हमेशा। ये सताइए बंटवारा क्योंकि अब फिलहाल हम बंटवारा कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पे। आने वाले वक्त में मान के चलो हिंदू राष्ट्र बन जाता है हिंदू राष्ट्र बनने के बाद एक आदमी निराकार की पूजा करता है एक साकार की पूजा करता है तो फिर बंटवारा होगा। फिर अन्य बंटवारे बहुत सारे हैं मनुस्मृति ने पहले बंटवारे कर दिए। वर्ण व्यवस्था है जो वर्ण व्यवस्था में जाट अलग है गुजर अलग है अहीर अलग है चमार अलग है चूड़ा अलग है जो भी मतलब भंगी। हाँ सही बात है। तो ये बंटवारे हमेशा रहेंगे अनवरत रहेंगे और इस बंटवारे का हमेशा जो भी राजनीति के वो फायदा उठाते रहे हैं। आज ये फायदा उठा रहे हैं पहले राजनीति के लोग भी तो इसका तभी फायदा उठाते हैं ना जब निचले स्तर से ये चीजें शुरू हो जाती हैं उन और राजनेताओं के हम हेर फेर में फंस जाते हैं उनके बयानों में फंस जाते हैं उनकी चालाकियों में फंस जाते हैं। देखो ऐसा है जब तक वर्ग पूर्णतः शिक्षित नहीं होगा किताबी शिक्षा से लेना देना नहीं है इस चीज का। शिक्षित का मीनिंग ये है कि धर्म को हम आस्था को हम विश्वास के रूप में लें ना कि हम प्रतिद्वंद्वता के रूप में लें ना कि हम तुलनात्मकता के रूप में लें। हमें क्या मतलब है मुसलमान को नीचा दिखाने का या हिंदू को नीचा दिखाने का? हम दूसरे के धर्मों का भी सम्मान करें दैट्स ऑल। सही बात ये बात है। तो ये हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जिनसे हमने उनकी राय जानने की कोशिश की और आगे अब किसी और जगह जाएंगे और वहाँ के लोगों की भी राय लेंगे और आपके बीच रखेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।